अगर आपके पास भी एक 5G का राउटर है ज़ेन का, उसका बिल कैसा पे करते हैं ये बताऊंगा आज के इस वीडियो में। मैं ज़ेन एप्लीकेशन से आपको बताऊंगा कि इसका बिल कैसे पे करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके आपको ज़ेन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद ओपन कर ले। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई ईमेल आईडी वगैरह कुछ यहाँ पे आपको इसमें नहीं डालना है। सिर्फ जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वॉइस डेटा फाइबर, तीन ऑप्शन है आपके पास। अगर आपकी सिम कार्ड कॉलिंग की है तो आपको वॉइस पे ओके करना है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अगर आप डेटा की सिम कार्ड चला रहे हैं जो महीने महीने बिल पे करना पड़ता है, उसका नंबर आप यहाँ पे डाल दें, फिर यहाँ से ओके कर दें। अगर आपके पास फाइबर है तो फाइबर का भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास वाईफाई है 5G वाला, मेरे को इसका नंबर पता नहीं है। ठीक है, इसको कैसे पता करें, यहाँ पे लिखा हुआ है आई डोंट नो माई नंबर, इस पर ओके करें। इस पर जैसे ओके करेंगे यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी, इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने ज़ेन का जो हमारी जो सिम कार्ड है उसका नंबर आ गया। ठीक है, ये नॉर्मल सिम कार्ड का नहीं है, डेटा सिम कार्ड का नंबर है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं वापस अपने ज़ेन के एप्लीकेशन में आ जाऊँगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा डेटा। ठीक है, डेटा क्योंकि मेरी सिम कार्ड का नंबर है, मेरे पास जो 5G का राउटर है वो वायर का कनेक्शन नहीं है, तो ये महीना महीना बिल आता है, तो मैं डेटा पे सेलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे उस नंबर को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो साइड में एरो बना हुआ है इस पर ओके करूँगा। यहाँ पे सबसे ऊपर जो आया है ये आपके वाईफाई की सिम कार्ड का नंबर है और नीचे आपकी बिल आ गई। ठीक है, आपकी बिल कितनी है, यहाँ पे हर महीने मेरी आती है 228, तो उसी वही बिल मेरी यहाँ पे आ गई। अगर आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है, आप थोड़ी अमाउंट पे करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से आप 150 अमाउंट पे करना चाहते हैं या 200 अमाउंट पे करना चाहते हैं, तो यहाँ से कस्टम पे ओके करेंगे। ओके करके यहाँ से आप जितनी भी आपको बिल पे करनी है वो यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। जैसे कि तो मैं यहाँ से पे विथ कार्ड पे ओके करूँगा, मेरे को पूरी बिल पे करनी है तो मैं यहाँ से पे विथ कार्ड पे ओके करूँगा। यहाँ पे आपको ATM कार्ड की डिटेल इंटर करना है। सबसे ऊपर आपको कार्ड नंबर इंटर कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे एक्सपायरी डेट मंथ और ईयर इंटर कर देना है। CVV आपको यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम इंटर कर देना है जो कि कार्ड पे लिखा हुआ होगा। कार्ड की डिटेल इंटर करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे कंफर्म एंड पे करके एक ऑप्शन है, इस पर ओके करें। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। यहाँ पे OTP इंटर करके ताकीद पे ओके कर देंगे, जो ब्लू कलर का है इस पर ओके कर देंगे कंफर्म पे, ये वेरीफाई कर लेगा। यहाँ पे मेरा जो बिल है वो पे हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से मैं डन पे ओके कर दूंगा। तो देखा आपने, बहुत ही आसान था। जो भी इस 5G राउटर को चला रहे हैं, ज़ेन के 5G राउटर को चला रहे हैं, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।